मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचकर वहां के पाथवे का उद्घाटन करते नजर आए और इसके बाद उन्होंने पितृपक्ष मेला की समीक्षा भी की, जायजा लिया कि 17 सितंबर से वहां पर मेला का आयोजन होने वाला है और इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है और इसके अलावा गया में जितने लोग आते थे वहाँ उन लोगों को बेहद परेशानी होती थी, जाम का सामना करना पड़ता था और इस वजह से अब जब गया में पाथवे बन चुका है तो इस नए पाथवे का उद्घाटन नीतीश कुमार करते नजर आए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे नीतीश कुमार के साथ प्रेम कुमार और इसके अलावा नीतीश कुमार के बेहद खास विजय चौधरी की भी वहाँ पर मौजूदगी है। तमाम नेता गया पहुँचे हुए, वहाँ जाकर उन्होंने गया जी की पूजा अर्चना भी की और इसके बाद नीतीश कुमार जब पाथवे का उद्घाटन किए तो पाथवे का उद्घाटन करने के बाद नीतीश कुमार सीधे पूरे मेला का जायजा लेने के लिए पहुँचे हुए। 17 सितंबर से मेला की शुरुआत होगी और इससे पहले वहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, वहाँ के अधिकारियों ने मेला को लेकर क्या व्यवस्था की है, इसके लिए नीतीश कुमार गया समाहरणालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किए हैं और वहाँ बड़े बड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा की पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि नीतीश कुमार ई रिक्शा पर बैठकर पूरे पाथवे का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया है। समीक्षा बैठक में मेले की पूरी जानकारी ली जाएगी। मेले में पूरे देश विदेश के लोग आते हैं गया जी की पूजा करने के लिए, प्रतिपक्ष मेला में शामिल होने के लिए देश के बाहर के भी लोग आते हैं, विदेशों के भी लोग आते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ पूरी व्यवस्था हो वहाँ पर, इसलिए आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। गया समाहरणालय में ये बैठक होगी जहाँ पर पदाधिकारी बताएंगे कि मेले को लेकर उन लोगों ने क्या व्यवस्था की है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और इसके अलावा अब जो नया पाथवे बन चुका है, आज उसका उद्घाटन हुआ है, इस पाथवे के बनने से आम लोगों को कितनी सुविधा प्रदान होगी। आराम से रहो, आराम से। अरे काम है इसे आप रहने दिया। अरे तो हमारा तो पैलेस में तो हम गिर भी नहीं गए। सब बड़ा दिल की बात है। चलिए सर आप कोई चलिए। दो जाइए तो। यहाँ पे तो अबे गाड़ी आ जाएगा। पानी की गाड़ी आ जाएगा। पानी की। अरे सच्चा सच्चा। हाँ ठीक है भैया। हट जाइए हट जाइए। तुम सबको रोकिए कहीं सबको। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।